अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लरैब खालिद और सरनाब फातिमा के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनके बेबी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले लरैब खालिद ने ये अफसोसनाक खबर शेयर की थी कि उनके बेबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और मदाहों से अपनी औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी। ये जोड़ा अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और 23 मई 2024 को इन्होंने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की मुतवक्के आमद से मुतालिक ऐलान भी किया था, लेकिन अचानक सरनाब फातिमा की तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने 7 माह के प्री मेच्योर बेबी को डिलीवर किया। बच्चे की हालत इंतहाई नाजुक रही, लेकिन लरैब खालिद ने बेबी की सेहत के मुतालिक अपडेट देते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे की सेहत पहले से बेहतर है और कल इंशाल्लाह उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लरैब खालिद ने अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सरनाब फातिमा के साथ साथ उनके बेटे के लिए भी दुआएं की।